नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। पारा शिक्षकों का मूड एक बार फिर से तेवर के साथ बदल रहा है। पारा शिक्षक में भी कई गुट बन जा रहे हैं और कई शिक्षकों ने कहा है कि वो अब आंदोलन में शामिल भी नहीं होंगे। हम आपको बता दें कि पारा शिक्षकों को चार चार महीने के बाद पेमेंट मिल रही है, वो भी एक दो महीने का। ऐसे में दो महीने की सैलरी मिलती है, फिर चार महीने का पेमेंट बकाया हो जाता है। जाहिर सी चीज़ है कि पारा शिक्षक संघ भी गुस्से में है और पारा शिक्षक भी गुस्से में है। कारण क्या है? कारण इसका साफ साफ है कि पारा शिक्षक का एकीकृत संघर्ष मोर्चा क्या ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर वो सरकार तक अपनी बात को नहीं मनवा रहा है। धनबाद से एक चिट्ठी हमारे पास आई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें तो 5 महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है। 2900 पारा शिक्षकों के आदेश से चिट्ठी हमारे पास लिखा गया है। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि जब कभी भी पारा शिक्षक के आंदोलन का जिक्र होता है, उनकी आंदोलन थोड़ी कमज़ोर होने लगती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आंदोलन कब जाकर के पूरा होगा। हमारे पास ये भी खबर है कि इस बार पारा शिक्षक पूरी मूड बना करके हैं कि एक बार आर और पार की लड़ाई फिर से लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जब जजमेंट आया कि बिहार के पारा शिक्षकों को, जिसको यहाँ पर शिक्षा मित्र कहा जाता है, नियोजित टीचर कहा जाता है, अस्थायीकरण नहीं होगा। इसके बाद झारखंड में भी ये केस थोड़ा तो कमज़ोर हुआ है, लेकिन पारा शिक्षक की 65,000 से 67,000 की एकजुटता अगर हो जाती है तो निश्चित रूप से आंदोलन भी बड़ा हो जाएगा। आपको याद होगा कि हाल ही में जो आंदोलन 2 महीने तक चला, उसके बाद उसकी सैलरी नहीं मिली, और जब सैलरी नहीं दी गई तो पारा शिक्षक आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए। कल्याण को उसकी बात तो शुरू हो गई, फिर उसके बाद 200 रुपया प्रति महीने पारा शिक्षक की सैलरी से ही लेने के लिए बोल दिया गया। ऐसे में पारा शिक्षक भला कहाँ चुप रहने वाले थे। अब अलग अलग स्थान पर मीटिंग का दौर चल रहा है, लोग एक अलग अलग स्थान पर लोग सम्मेलन कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नया नेतृत्व आएगा वो सारा कुछ करेगा। यानी कि वर्तमान का एकीकृत संघर्ष मोर्चा जो है उसे फ्लॉप माना गया। ये भी चीज़ के संकेत मिल रहे हैं कि नेतृत्व को बदला जाएगा। कुछ लोगों का नाम भी सामने आ रहा है, और इसे लेकर पारा शिक्षकों के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चल रहे व्हाट्सएप ग्रुप में जमकर खींचातानी हो रही है। लोगों के नाम लेकर के लोग एक दूसरे को गालियाँ तक दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक गुट ने अच्छा किया था पिछली बार, तो दूसरी गुट इस बार खराब कर दिया। वहीं इस बार के एकीकृत संघर्ष मोर्चा का मानना है कि उनको बदनाम किया जा रहा है। ज़्यादा पारा शिक्षक मानते हैं कि एकीकृत संघर्ष मोर्चा उनके लिए कोई भी काम नहीं किया, अलबत्ता उन्हें बीच में फंसा दिया, हड़ताल अवधि का पैसा नहीं ले पाया और उन्हें समय पर मानदेय भी नहीं मिला। कहाँ तो एक और अस्थायीकरण की मांग थी, उससे कम पर कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे सारी स्थिति बदल गई है। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट वाइज 24 जिले हैं, सभी जिला में बदलाव के संकेत आ रहे हैं। हमारे पास ये इनपुट है जिसमें पता चलता है कि आने वाले बैठक में पारा शिक्षक एकीकृत संघर्ष मोर्चा में बड़ा बदलाव हो सकता है। हो सकता है कि कुछ पुराने चेहरे को भी लाया जाए, या फिर कुछ एकदम से नया चेहरा को लाया जाए। फिलहाल पारा शिक्षकों का भविष्य इसलिए दिक्कत में है क्योंकि उन्हें पेमेंट ही टाइम पर नहीं मिल रहा है। जाहिर सी चीज़ है, आर्थिक स्थिति से उनकी कमर टूट चुकी है। वह सूद लेकर के चल रहे हैं, और जो पेमेंट एक दो महीने का मिलता भी है वो भी सिर्फ उनके ऊँट के मुंह में जीरा जैसी होती है। अभी ये भी खबर आ रही है कि पिछले 2 महीने का पेमेंट बकाया रखते हुए वर्तमान में अप्रैल और मई की पेमेंट हो जाएगी। यानी कि एक और ये पता चलेगा कि अप्रैल मई तक का पेमेंट दे दिया गया, वहीं दूसरी ओर ये पता चलेगा कि पेमेंट कहीं ना कहीं कम हुआ है, यानी कि पिछला पेमेंट बकाया ही रह जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब ये दिन फिरेगा, कब आएंगे अच्छे दिन पारा शिक्षकों के। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एकीकृत संघर्ष मोर्चा इसके लिए सुदृढ़ होकर के आवाज़ उठाएगी। झारखंड अब तक न्यूज़ चैनल में कई बार बुलाने के बाद एकीकृत संघर्ष मोर्चा के कोई भी नेता हमारे लाइव कार्यक्रम में आने को तैयार नहीं हुए, और वो अभी भी आने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि जब वो लाइव कार्यक्रम में आएंगे
ढेर सारे सवाल होंगे, सवाल का उत्तर देना मुश्किल तो हो ही जाता है लाइव कैच क्रम में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।